हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं ऑप्टिक्स ऑफ एफेकिकाई। तो होता क्या है इसमें? ऑप्टिकल चेंजेस अकर्स आफ्टर रिमूवल ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस। जब हम लोग क्रिस्टलाइन लेंस होता है उसको रिमूव कर देते हैं तो क्या क्या ऑप्टिकल चेंजेस आता है हमारे आई में, तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हाइपरमेट्रोपिया ऑफ हाई डिग्री। क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया? क्या होता है हाई डिग्री का? चलिए इसको एक बार फिगर में देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये पैरेलल रे ऑफ लाइट है, ठीक है, इन्फिनिटी से आ रहा है और फोकस कहाँ पे कर दे रहा है? रेटिना पे, ठीक है। यहाँ पे लाइट बेंड हो रहा है, लेंस से लाइट बेंड हो रहा है, ठीक है, कॉर्निया और लेंस दोनों से लाइट बेंड होके रेटिना में फोकस कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर लेंस हट गया, देखिए यहाँ पे लेंस हटा देंगे हम लोग, तो क्या होगा? यहाँ से तो लाइट आएगा इन्फिनिटी से, यहाँ पे कॉर्निया में बैंड करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लेंस है ही नहीं, तो लेंस नहीं है तो यहाँ पे तो बैंड नहीं करेगा, और ये जाकर डायरेक्ट कहाँ? बिहाइंड द रेटिना फोकस करने लगेगा, और जिसकी वजह से हाई हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। टोटल पावर ऑफ आई इज रिड्यूस टू अबाउट 44 डायप्टर फ्रॉम 60 डायप्टर। क्या बोल रहा है कि हम लोग पूरे आई में कितना 60 डायप्टर होता है, ठीक है। अगर लेंस हट गया तो कितना डायप्टर का बच जाता है पावर पूरे आई में? प्लस 44 डायप्टर का ही बच जाता है, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं। इंटीरियर फोकल पॉइंट बिकम 23.2 mm इन फ्रंट ऑफ द कॉर्निया। नॉर्मल कितना होता है? 15.7 mm होता है। अब इस देखिए क्या होता है, इसको फिगर में हम लोग समझते हैं एक बार। चलिए देखते हैं फिगर में। ये तो नॉर्मल आई है हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कॉर्निया से फोकल पॉइंट, इंटीरियर फोकल पॉइंट कितना होता है उसका डिस्टेंस? 15.7 mm होता है, ठीक है। अगर लेंस यहाँ पे रहता है तब, अगर लेंस हट जाए तो ये क्या बन जाता है, कितना हो जाता है? यहाँ पे देखते हैं, एफेकिकाई में यहाँ से लेंस निकल गया, ठीक है, तो क्या हो गया, इसका जो फोकल पॉइंट है वो 15.7 से बढ़ के कितना हो गया? 23.2 mm हो गया, ठीक है। चौथा देखते हैं हम लोग। पोस्टेरियर फोकल पॉइंट इज अबाउट 31 mm बिहाइंड द आईबॉल। नॉर्मल कितना? इंटीरियर पोस्टेरियर डायमीटर कितना है? 24 mm। तो क्या बोल रहा है, जो पोस्टेरियर फोकल पॉइंट होता है वो कितना हो जाता है? 31 mm हो जाता है बिहाइंड द आईबॉल जब लेंस हट जाता है, और नॉर्मल कितना होता है? 24। तो अबाउट कितना है कि बढ़ जाता है पीछे? तो 7 mm अबाउट बढ़ जाता है। तो इसको हम लोग एक बार फिगर में देखते हैं। देखिए ये नॉर्मल लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ तक का नॉर्मल लेंथ कितना है? कॉर्निया से यहाँ पे फोकल पॉइंट 2, ठीक है, पोस्टीरियर फोकल पॉइंट, उसका कितना है? 24.4, मतलब 24 mm है। लेकिन अगर लेंस हट गया तो क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखिए फेकी का ही है, यहाँ से लेंस हट गया, तो लेंस हट गया तो अब फोकस कहाँ पे करना कर रहा है? यहाँ पे इसका फोकल पॉइंट रेटिना में था पहले, अब रेटिना से पीछे हो गया, 7 mm पीछे हो गया, तो अब कितना हो गया? 31.2 mm इसका लेंथ हो गया। अब पांचवा देखते हैं हम। एकोमोडेशन इज फुल्ली लॉस्ट। क्या होता है एकोमोडेशन? होता है पूरा लॉस हो जाता है, ठीक है। लॉस इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एकोमोडेशन क्यों कराता है, लेंस कराता है, लेंस अपना कर्वेचर चेंज करता है, अब लेंस सही नहीं है तो कर्वेचर तो चेंज नहीं होगा, इसलिए क्या हो गया, ये पूरी तरह से लॉस हो जाता है एकोमोडेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।